हेलो दोस्तों, देखिए पहले आप देख सकते हैं, पहला हमारा आधार कार्ड जो है इस तरीके से डाउनलोड होके आता था। अब जो है UIDAI जो है नया अपडेट दे दिया है। अब जो हम आधार कार्ड जो है डाउनलोड करेंगे तो हमारा जो है नया वाला आधार कार्ड अपडेट होकर आया करेगा। और इसे उस आधार को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं तो उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उस ब्राउज़र में सर्च मारना है SSUP, ये लिखकर जो है आपको सर्च मार लेना है। आप देख सकते हैं चेक अपडेट स्टेटस माई आधार UIDAI, इस पर जो हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा आधार कार्ड का जो है माई आधार का पोर्टल जो है खुल के आ जाएगा। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं चेक आधार वैलिडिटी, इस पर जो हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है और ये जो कैप्चर कोड है वो यहाँ पर डाल के और आगे हमें जो है प्रोसेस कर देना है। और प्रोसेस पर करने के बाद अब देख सकते हैं इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको जो है नज़र आएगा। इस पर जो हमें मोबाइल नंबर चेक करना है कि आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। तो अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा तो आप जो है मोबाइल के लास्ट के 3 डिजिट जो हैं आपको नज़र आएंगे। अगर ये आपका लिंक होगा तभी आप जो है आधार कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आपका लिंक है तो आपका जो है आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, अगर लिंक नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा। तो अब पीछे आएंगे हम गो टू डैशबोर्ड पर और उसे किस तरह डाउनलोड करना है तो बताना है। अब हम आ चुके हैं इधर माय आधार पोर्टल पे। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, देख सकते हैं डाउनलोड आधार, इसी पर जो हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब 3 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, आधार नंबर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इनरोलमेंट ID से भी और वर्चुअल ID से भी। तो इन 3 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन चुनना है, हम चुनते हैं आधार नंबर। तो हमें जो यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है अपना। आधार नंबर डालने के बाद ये यहाँ पे जो हमें कैप्चर कोड देख रहे हैं आप, ये कैप्चर कोड डाल के और सेंड OTP पर जो है क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको जो है यहाँ पे डाल के और नीचे देख रहे होंगे वेरीफाई एंड डाउनलोड, इस पर जो क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप देख सकते हैं हमारा जो है आधार कार्ड जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। आप देख रहे हैं लिखा आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन और इस तरफ साइड में दिखा रहे, देखिए ये हमारा आधार कार्ड जो है डाउनलोड हो गया। तो आप यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये जो डाउनलोड होगा तो इसका पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड का आप जो है नाम और सन, यानी कि नाम के शुरू के 4 डिजिट कैपिटल लेटर में और आपका ईयर ऑफ सन, मतलब जो आपका साल है जिस साल में पैदा हुए हैं आपका, वो डालना है और नाम के 4 वर्ड शुरू के, ये डाल के आपको जो है उसका पासवर्ड होता है। तो ये सब आप डाल देंगे तो उसके बाद आपका जो है चालू जाए। अब देखिए यहाँ पर मांग रहा है ये पासवर्ड, अब हमको वही पासवर्ड यहाँ डाल के खोल देना। आप देखिए इस तरीके से आपको जो है ये नया वाला जो है आधार कार्ड इस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा तो हम आपको जूम करके दिखाते हैं। तो जब जूम करके आपको दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको ये नज़र आएगा। पहले आप देख सकते होंगे कि पहले हमारा फ्रंट पेज पर जो है केवल नाम और डेट ऑफ बर्थ होती थी, अब जो है डेट ऑफ बर्थ नाम वगैरह कुछ नहीं, हमारा नाम वगैरह ऊपर लिखा है और यहाँ पे लिखा है आधार ऑफ वेरिफिकेशन, मतलब कि आधार इज प्रूफ एंड आइडेंटिटी। तो यही अब इसी तरीके से लिख के आएगा बॉक्स में, आप देख सकते हैं बॉक्स बना हुआ आ रहा है, ऐसे ही बॉक्स में लिखा आएगा ये हमारा जो है एक आइडेंटिटी प्रूफ बन चुका है, तो इसमें यही शो कराएगा। तो आप देख सकते हैं हम हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं और इसमें देख सकते हैं मराठा है, तो क्योंकि मराठा लैंग्वेज में था, अगर आपका हिंदी में है तो आपका हिंदी में आएगा, इंग्लिश में है तो वो इंग्लिश में शो करेगा। आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों दे रखे यहाँ पे। तो इसी तरीके का जो है हमारा नया आधार कार्ड नज़र आएगा और ये जो है हर जगह वैलिड रहेगा, और जो हमारा पुराना वाला है वो भी हमारा वैलिड रहेगा और ये भी, इसीलिए पुराने वाले को नहीं फेंके, वो भी हमारा वैलिड है और जो नया है ये भी वैलिड है। तो इसी के साथ जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिलती रहें।